वीडियो क्लिक करने पर ऐसा करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद सभी ऑपरेटर भाइयों को, आप लोग मीटिंग में आए इसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज के मीटिंग का जो उद्देश्य है, ऑपरेटर पर जो अत्याचार हो रहा है आए दिन ऑपरेटर कहीं पर भी जा रहे हैं, उनको ना सही समय से पगार मिल जाता है, ना रहने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। इसके चलते यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया आप सभी को, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मुद्दा बहुत है, मुद्दा ख़त्म होने वाला नहीं है, ऑपरेटर का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। और एक आप लोग के लिए संस्था बनाया गया है जिसका नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, ये आप लोग के हित में बनाया गया है, इससे आप लोग जुड़िए। और आज के मीटिंग में सब कुछ बताया जाएगा, जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और अभी मीडिया बंधु नहीं आया है, वो उनको भी फ़ोन किया गया है आने के लिए, जल्दी आ जाएंगे। कब तक आएंगे? आधा घंटा बाद। जी, इसमें यही है जो संस्था बनाया गया है, इसका ऑफिस बिहार के सीवान जिला में है, आप लोग लोकेशन सर्च कर सकते हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। मेरा नाम बब्लू कुमार, घर सिवान जिला बिहार है। और हम 2 साल पहले हम और हमारी टीम मिलकर एक संस्था बनाया गया, इसका रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुआ है 9 तारीख को, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के नाम से भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए ये पूरा ऑल इंडिया पर काम करेगी। और इसमें जो भी है ऑपरेटर के हित के लिए, आए दिन जो ऑपरेटर पर अत्याचार हो रहा है इसका आवाज़ हम ही लोग उठाना पड़ेगा, या नेता कोई नहीं उठाएगा, ना मालिक उठाएगा। ड्राइवर का यूनियन बहुत है, आप लोग देखते होंगे हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन बनाया कौन है? गुड ओनर बनाया है या तो ट्रांसपोर्ट वाले बनाया है? और मुद्दा क्या रखते हैं फेसबुक पर आप लोग देखते होंगे, टैक्स बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ये नहीं बढ़ाते हैं कि हम 8 घंटा ड्राइवर को काम करा के 24 घंटा पेमेंट देते हैं। और जो मुद्दा है ये ऑपरेटर भाइयों का, जो रोज़गार का मुद्दा है, बार बार ऑपरेटर भाइयों को रोज़गार नहीं मिलता है, बहुत सारे ऑपरेटर भाई यहाँ पर हैं, आए हैं, जिनको बेरोजगार है। ये जो रोज़गार का मुद्दा पर आज हम बात करेंगे, और जो पेमेंट नहीं मिलता है, जो वेतन 2 महीना काम करा के, 3 महीना काम करा के पेमेंट नहीं दिया जाता है, 10-12 घंटा 14 घंटा काम कराया जाता है और उसका कौशल पेमेंट नहीं दिया जाता है, उसका उचित पेमेंट नहीं दिया जाता है, जो आए दिन ऑपरेटर पर अत्याचार हो रहा है इसका आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। और संस्था बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, संस्था किस लिए बनाया गया, हम सभी को बतलाएंगे। और जो फेसबुक लाइव जुड़े हैं आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ऑपरेटर द्वारा काम करने के बाद भी सही समय से वेतन नहीं देना अथवा उचित मासिक पर वेतन नहीं देना, कार्य के दौरान ऑपरेटर के साथ हुई दुर्घटना, को मशीन मालिक या मशीन द्वारा बिना मुआवजा दिए पल्ला झा लेना, 3 नंबर मशीन मालिक या कंपनी द्वारा समय से अधिक समय तक काम करना तथा किसी भी प्रकार का ओवरटाइम का पैसा नहीं देना, मशीन में हुई तकनीकी खराबी के कारण जितने दिनों तक मशीन बंद होने के कारण ऑपरेटर भाइयों को किसी भी प्रकार का राशि नहीं देना, मशीन के पार्ट पुर्जा या तेल की चोरी होने पर ऑपरेटर साथी को जिम्मेवार बनाना तथा ऑपरेटर का वेतन से पैसा काट लेना। और जो संस्था बनाया गया है इससे आप लोग को क्या क्या लाभ मिलेगा,
इससे जुड़ना पड़ेगा हर ऑपरेटर को। जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग में एकता नहीं होगा, जब तक आए दिन शोषण हो रहा है। आप लोग फेसबुक पर व्हाट्सएप आप लोग देखते होंगे कि शोषण हो रहा है, और हम भी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ग्रुप है, सब कुछ है, लेकिन आज धरातल पर काम हो रहा है। पिछले दिन हम जम्मू कश्मीर में मीटिंग किए थे, और इसके बाद महाराष्ट्र के जलगांव में मीटिंग किए थे, आज झारखंड के भूमि पर आए हैं। किए गए काज को सही समय पर वेतन दिलाना संस्था का मुख्य भूमिका होगी। अगर कोई मालिक या कंपनी किसी ऑपरेटर का पेमेंट नहीं दे रहा है, तो पहला काम, फेसबुक लाइव हो रहे हैं, यूट्यूब पर भी है, पहला काम है पहले उसका मालिक पर कोई भी ऑपरेटर ना जाए, कंपनी हो या मालिक हो। एक दूसरे को पेट पर लात मत मारिए, हम सबको साथ चलना पड़ेगा। आज आप लोग देखते होंगे कि ऑपरेटर कितना गरीबी की रेखा पर पहुंच गए हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है, ऑपरेटर के रेट घट रहा है, तो ये आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। दूसरा नंबर मुद्दा है जो दुर्घटना हो रहा है, आए दिन जो दुर्घटना हो रहा है ऑपरेटर पर, उनका मुआवजा मिलना चाहिए उनका परिवार को, और उनका दुर्घटना हो रहा है तो उनका परिवार चलेगा कैसा, ये एक मुद्दा है। अगर हम लोग का सरकारी नौकरी तो है नहीं कि हम लोग को 50 लाख रुपये मिल जाएगा, हम लोग को तो प्राइवेट नौकरी है ना, तो हम लोग को तो मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जो समान वेतन बात है, 15,000 कितना पेमेंट है आप लोग का? 16,000 15,000 आप बताइए, कोई 15 से चालू होता है। जो फेसबुक में लाइव देख रहे हैं आप लोग भी भैया कमेंट करके बता दीजिए कितना आप लोग का पेमेंट है, कौन सा स्टेट में। देखिए 12,000-14,000 एक लेबर का पेमेंट जो है ना, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़ा 340 रुपया अनसिल्क वाले को, जिसको कुछ आता नहीं है, केवल जो मजदूर करते हैं, जो ईटा धोते हैं, खेत में काम करते हैं, उनका 340 रुपये 50 रुपये रेट है। आज जो सिल्क है, जो कौशल ऑपरेटर है, जो कौशल ऑपरेटर में हो गया, जो मशीन चलाते हैं, जिसके पास कुछ जानकारी है, जो हाथ से जो कला है उनके पास, उनके लिए मैक्सिमम पेमेंट 18,000 से मैक्सिमम, और हाई सीनियर के हिसाब से जैसा जैसा सीनियर है वैसा वैसा पेमेंट बनना चाहिए, ये भारत सरकार बोलती है। और हम लोग का पगार जो 12,000-14,000 मिलता है, ये गलती किसमें है, मालिक में नहीं है, ये गलती ऑपरेटर भाइयों में है, ये बात को आप लोग मानते हैं जी। और इसमें गलती को सुधारने के लिए एक संस्था बनाया गया है, और संस्था एक दिन में तो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो इतिहास एक बनाएंगे ऑपरेटर भाई सब मिलकर। और हम लोग का ऑपरेटर कंपनी से यही मांग है, हम लोग को एक समान वेतन चाहिए, हम लोग को सही समय से वेतन चाहिए, हम लोग को दुर्घटना होने पर हमारे परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, रहने का खाने का व्यवस्था मिलना चाहिए। 8 घंटा से अगर हम ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन 8 घंटा से भी ज़्यादा हम ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए सभी ऑपरेटर भाइयों को, और इसका आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि दूसरा ऑपरेटर क्या कर रहा है, आप ये सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हमको सुधारना पड़ेगा। और जो 3 महीना में पैदा ले रहा है ऑपरेटर, जो 3 महीना में आप लोग सिखा देते हैं कि भैया मेरा घर वाला है, भाई वाला, चाचा वाला है, तो भैया ये छोड़ दीजिए, कम से कम 1 महीना हेल्पर को रखिए, प्लीज़ 1 महीना हेल्पर को रखिएगा, तभी जो पगार है बढ़ेगा। नहीं तो जो हेल्पर है 3 महीना में सीखेंगे, उनको ना लीवर पकड़ने आएगा, ना भैया लेबर को खींचने आएगा, बात सही है कि नहीं। हाँ तो 3 महीना मत सिखाइए, कोई भी रहने दीजिए, भाई रहने दीजिए या भतीजा रहने दीजिए, कम से कम 1 साल रहिए और उसको कौशल ऑपरेटर बनाइए, एक जो कहीं पर भी जाए तो ना मशीन का पिस्टन तोड़े ना मशीन पलटी करे।
अब मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर 3 महीने का जा रहा है, वहाँ पर मशीन पलटी कर दे रहा है, तो वो भी खुद नुकसान होगा, दुर्घटना होने पर कुछ हो जाएगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, मालिक को भी नुकसान होगा। तो पॉइंट है, एक एक पॉइंट रखना पड़ता है। और हम मालिक और कंपनी से कहेंगे कि बिना हेल्पर कभी हम ऑपरेटर मशीन मत चलवाइए। अगर मशीन में कोई गड़बड़ी हो रहा है, रिक्स हो रहा है, आयल पानी ओरिंग कट गया, तो इसके लिए भैया ऑपरेटर जिम्मेवार नहीं है। आपको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आएंगे। अभी बहुत सारे ऑपरेटर भाई को पता नहीं था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हजारीबाग के बरही में हम रख देते हैं। जी जी बरही में रख देते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ ऑपरेटर भाई हमको सलाह दिए कि नहीं यहीं पर रखा जाए, अगला बार बरही में ज़रूर रखा जाएगा। और आप लोग को भी ये जुड़ेंगे, लाइन पर बने रहिए, जितना ऑपरेटर भाई लाइन पर रहिए आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग को भी जोड़ के बाद कुछ सवाल पूछ लेंगे आप लोग से, और जो भी सवाल है आपका भी जवाब देंगे। आप लोग का एक शेर अर्ज करते हैं, जीने का सहारा मिल जाए अगर साथ आपका मिल जाए, जीने का सहारा मिल जाए अगर साथ आपका मिल जाए, जीत लेंगे एकता की जंग, जीत लेंगे एकता की जंग अगर आप अगर साथ आपका हमारा मिल जाए। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादे का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापे हैं मिट्टी पर जमीन, अभी तो सारे हिंदुस्तान बाकी है। जय हिंद जय भारत। और आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी कहाँ पर? महाराजगंज। महाराष्ट्र में कौन सा जगह? तो महाराष्ट्र में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा कि कहाँ पड़ेगा? जगह कहाँ पे? महाराष्ट्र में कौन सा जिला? हेलो, देखिए एक ऑपरेटर का पेमेंट पर्सन, क्या नाम है भैया? क्या नाम? शांत, क्या नाम है? उदय कुमार साहब। जी जी भैया महाराष्ट्र में कौन सा जगह? भैया हेलो, शांत बनाए रखिए भैया, शांत बनाए। एक देखिए महाराष्ट्र में पेमेंट फंसा है, उदय कुमार इनका नाम है भैया। हाँ हाँ, तो ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर में कौन सा एरिया था, कौन सा जिला था? क्या हुआ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, हम इनका नंबर दे देते हैं, ठीक है, मीटिंग ख़त्म होने के बाद इनका नंबर दे देता है, आप बात कर लीजिएगा। मालिक के नाम बाद में बात करते हैं, ठीक। देखिए अगर किसी का भी पेमेंट कहीं पर भी फंस रहा है, तो पहले तो भैया आईडी का जरूरी है, आईडी कार्ड नहीं बनवाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लाइव हो रहे हैं, जो यहाँ पर है धरातल पर और जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जब तक आईडी कार्ड नहीं बनवाइएगा जब तक संस्था कुछ हेल्प नहीं कर सकती है। देखिए इस तरह नोटिस भिजवाएगी, और जिसके पास आईडी कार्ड होगा इस तरह आप लोगों का ओनर के पास या कंपनी के पास यहाँ पर आईडी नंबर आएगा, टू किसके पास नेम आईडी नंबर, नेम आईडी नंबर या संस्था का सील रहेगा और सिग्नेचर रहेगा,
और आप लोगों को ना मशीन छोड़ के नहीं जाना है कि भैया आप मशीन छोड़ के घर चला गए, इमरजेंसी है, आप वहाँ पर बोलिएगा कि भैया मेरा पैसा निकलवा दीजिए। आप लोगों को मशीन छोड़ के नहीं जाना है, आप कोई गलत काम नहीं करना है, बताइए भैया जी। हमारा मालिक का कहना है कि सरकार हमने पैसा दिया नहीं है, जो काम जो आप काम हम किए हैं जी, वो काम का पैसा हमको नहीं मिला जी जी। तो हम आपको पैसा कैसे दें? सबसे पहली बात है कि सरकार जब ऑनर लोगों को पैसा पहले दे नहीं करेगी जी, तो अपने को कहाँ से मिला? इसमें सरकार की जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार तो वो समझे ना, हम क्यों समझेंगे? फिर हमारा पैसा आप मछली, अगर कोई दुकानदार मछली लाया है तो मछली सजाएगा तो कौन समझेगा? तालाब वाला समझेगा कि अगर मालिक पैसा नहीं देता आप दीवाने का काम कीजिए। तो मालिक आवाज उठाए ना कि मैं पैसा क्यों नहीं दे रहा है सरकार? मालिक तो आवाज उठाता है, हम सबका आवाज क्यों उठाएंगे? हम तो भैया ऑपरेटर का आवाज उठाएंगे ना, ऑपरेटर का पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? जैसे आपका पेमेंट, जैसे आप ऑनर है तो आपका उससे सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर का पेमेंट जो है हम मालिक से करेंगे। आप तो भैया सरकार को मिलते सरकार से सवाल पूछे ना, आपका क्षेत्र का सांसद कौन है उनसे सवाल पूछिए, आपका क्षेत्र का जी। कोई भी राज्य हमारा जी बिल्कुल। देखिए इसका सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सर्च करिए ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है, पेज है ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन नाम का, व्हाट्सएप है। और अगला मीटिंग जो अगला सेशन होने वाला है एमपी में होगा या यूपी में होगा, सबसे ज्यादा जहां से ऑपरेटर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे वहीं पर होगा और वहीं पर आएंगे। और एकता बनाए रखिए, एक दूसरे को पेड़ पर लात मारिए, साथ दीजिए, सांसद साथ कलम से कलम मिला के चलिए। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेटर एकता, ऑपरेटर एकता।